हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक किचन। और मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ कि राजस्थान की प्रसिद्ध बेसन की मिर्ची कैसे बनाते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम बेसन की मिर्ची बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बेसन की भरवा मिर्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बेसन, 15 से 20 कलियां लहसुन की ली है, 1/4 चम्मच जीरा और स्वाद अनुसार नमक। बेसन की भरवा मिर्ची बनाने के लिए हमें बेसन को पहले सेकना है। ये देखिए, हमने लहसुन का पेस्ट बना लिया है, अब हमें बेसन को सेकना है। तो दोस्तों, भरवा मिर्ची बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो मिर्ची ली है। हमें इस मिर्ची को इस तरीके से कट करना है, इसे दोनों साइड से नहीं कट करना है, इसे इस तरीके से कट करना है। उसी तरीके से हम सभी मिर्ची को कट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सभी को इसी तरीके से कट करना है। देखिए, हमने सभी मिर्ची के कट लगा दिए हैं, तो अब हम इनमें बेसन सेक के बेसन भरेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल डाला है बेसन को सेकने के लिए। हम इसे अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। ये देखिए, इसमें तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। हमें इसमें ना तो जीरा डालना है, ना राई डालनी है, बस बेसन को सेकना है। हमें बेसन को सुनहरा होने तक सेकना है अच्छी तरीके से। अभी ये हमारा सुनहरा नहीं हुआ है बेसन, इसीलिए मैं इसे थोड़ी देर और सेकूंगी। ये देखिए दोस्तों, बेसन सुनहरा हो चुका है, अच्छी तरीके से सिक चुका है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। ये देखिए दोस्तों, बेसन सिक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। लहसुन का पेस्ट डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब हम इसमें 1/2 नींबू डालेंगे। हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया है, अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, हमने मसाले को अच्छी तरीके से बना लिया है, अब हम इस मसाले को मिर्ची में भरेंगे। हमें मसाले को मिर्ची में बहुत कम कम भरना है, वरना मसाला बाहर निकल के आएगा। हमें सभी मिर्ची को कुछ इसी तरीके से भरना है। देखिए दोस्तों, हमने सभी मिर्ची भर ली है। अब हमें मिर्ची को फ्राई करना है। मिर्ची को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 से 4 छोटे चम्मच तेल डाला है। अब हमें इस तेल को गरम करना है। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें राई का तड़का लगाएंगे।
ये देखिए राई अच्छी तरीके से आ चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके मिर्ची रखेंगे। ये देखिए हमने मिर्ची रख दी है। अब हमें इन्हें एक बार हिलाना है। हमें गैस का फ्लेम लो रखना है और इस पे ढक्कन लगाएंगे। अब हमें इसे चेक करना है। ये मिर्ची 5 मिनट में बन जाती है, पर हमें इसे बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए देखना है। ये राजस्थान की बेसन की भरवा मिर्ची है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो अब हमें इसे ढक्कन देके वापस पकाना है थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों अब हमारी मिर्ची सिक चुकी है। ये देखिए अच्छी तरीके से सिक चुकी है। आपको एक मिर्ची दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें जो बेसन है वो भी अच्छी तरीके से पक चुका है। ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। ये ज्यादातर राजस्थान में खाई जाती है। मेरी और ज़्यादा रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।